इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो कंपैरेटिवली इसके थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा क्या कहो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और आई फील कि काफ़ी बच्चों को उस क्वेश्चन से समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि इसके बाद वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें कुछ मैं ईजी कॉन्सेप्ट लूँगा, ईजी क्वेश्चन लूँगा, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आप दोबारा से पिछले वाले वीडियो में जाओ और आपको उस वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तीनों कंपैरेटिवली पिछले वाले क्वेश्चन से इजी हैं और ये आपको समझ में आ जाएंगे तो काफ़ी इजी और आसान भी रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, करेक्ट। तो पहला आपका क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ DFA टू एक्सेप्ट L वेयर ऑल द स्ट्रिंग्स इन L आर सच दैट द टोटल नंबर ऑफ A's इन देम आर डिविजिबल बाय 3। यानी कि जितने भी ए होंगे लैंग्वेज में वो सभी 3 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमने बी की कोई भी बात नहीं करी, लेकिन क्या मतलब बी कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ बी कैन बी 0, नंबर ऑफ बी कैन बी 1, नंबर ऑफ बी कैन बी 2, नंबर ऑफ बी कैन बी 3, यानी कि कितने भी बी हो सकते हैं लेकिन ए जो है वो हमेशा आपके पास 3 से ही डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जब आप देखेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स क्या हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकता है, क्या एप्सिलॉन हो सकता है, आंसर कीजिए, क्या एप्सिलॉन हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे होगा, देखो अगर आपके पास जो लेंथ है वो आपकी 0 है, यानी कि कोई भी उसके अंदर सिंबल नहीं है, ना तो ए है ना बी है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एज कितने हो गए आपके पास 0, तो 0 3 से डिविजिबल है, हाँ है, करेक्ट, तो ये आपके पास होगा। दूसरा, इसके अलावा अगर आपके पास एज्यूम सिंगल बी है, तो देखो उन्होंने हमेशा ए की बात करी, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट बी, अब अगर एक सिंगल बी है तो इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए कितने हैं 0, अगर 0 ए है तभी वो डिविजिबल है 3 से। ऐसे ही अगर आपके पास बी बी हो या फिर बी 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 हो एंड सो ऑन, यानी कि बी कितने भी हो डजंट मैटर, ठीक है, तो बी को हम कभी काउंट नहीं कर रहे। उसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग हो सकती है यहाँ पर ए ए ए बी, यानी कि अगर 3 से डिविजिबल हो तो या तो नंबर ऑफ ए 0 हो, नंबर ऑफ ए 3 हो, नंबर ऑफ ए 6 हो, नंबर ऑफ ए 9 हो एंड सो ऑन। तो इस केस में भी बी डजंट मैटर, जैसे कि हमारे पास इस केस में कोई भी बी नहीं है, इस केस में एक बी है, अब बी की पोजीशन भी मैटर नहीं करती, बी किसी भी पोजीशन में आ जाए। उसके अलावा कितने भी बी हो, जैसे यहाँ पर अब हमारे पास 2 बी हो गए एंड सो ऑन, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ ए को ही काउंट करना है, हमें नंबर ऑफ बी को काउंट नहीं करना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए आपके पास 3 थे, उसी तरीके से नंबर ऑफ ए आपके पास 6 भी हो सकते हैं, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ए 6 होंगे तभी वो डिविजिबल है 3 से। तो नंबर ऑफ ए की को ही हमें काउंट करना है, नंबर ऑफ बी को हमें काउंट करना ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखो जब भी आप ए को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 रिमाइंडर आपके पास बन सकते हैं, रिमाइंडर्स कैन बी 0, 1 एंड 2। रिमाइंडर 0 मतलब कि नंबर ऑफ ए को आपने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। 1 का मतलब नंबर ऑफ ए को आपने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया। 2 का मतलब नंबर ऑफ ए को आपने 2 से 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ गया, सिंपल, करेक्ट। तो हर एक रिमाइंडर के लिए हम एक स्टेट बनाएंगे, सबसे इजी। तो एक स्टेट बनाई हमने एस नॉट, एक स्टेट बनाई हमने एस वन, एक स्टेट बनाई हमने एस टू, तो हर एक स्टेट एक रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। अब देखो, अब जो स्टेट एस नॉट है वो हमारी इनिशियल स्टेट भी होगी, क्यों, क्योंकि वो लेंथ 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इनिशियल स्टेट है वो हमेशा DFA के केस में लेंथ 0 को रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो अगर NFA है तो NFA में एप्सिलॉन NFA एक स्पेशल NFA आता है जहाँ पर हम किसी दूसरी स्टेट से भी लेंथ 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको समझाया नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपके पास DFA केस में एप्सिलॉन है, यानी कि जो स्टेट है वो लेंथ 0 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब देखो, हमें लेंथ 0 को एक्सेप्ट करना है, लेंथ 3 को एक्सेप्ट करना है, लेंथ 6 को एक्सेप्ट करना है एंड सो ऑन, बिकॉज ये सभी जो लेंथ है वो 3 से डिविजिबल है। अगर आपको लेंथ 3 को एक्सेप्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको फाइनल स्टेट भी बना दो। तो क्या होगा, एस नोट आपकी इनिशियल स्टेट भी है और एस नोट आपकी फाइनल स्टेट भी है, क्यों, क्योंकि हमें एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है। यानी कि ऐसी जो कोई भी स्ट्रिंग हो जिसमें नंबर ऑफ बी कितने भी हो, नंबर ऑफ बी कितने भी हो लेकिन नंबर ऑफ ए हमेशा 0 है, तभी आप एस नॉट स्टेट पर हो, इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब देखो,
हर एक स्टेट पर बी कितने भी आए, सिंपल सा एग्जांपल देखो, दे आर सेइंग कि बी कितने भी आए डजंट मैटर, सिर्फ ए मैटर करता है. तो बी कितने भी आए तो हम उसको मैटर करें ही नहीं रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसी स्टेट पर रहेंगे. लेकिन जब भी एक आएगा हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है. अब इनिशियल स्टेट एस नॉट है, एस नॉट स्टेट पर अगर एक सिंगल ए आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए हमारे पास वन हो गए. अगर एक ए को हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा वन, और ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, रिमाइंडर वन को, ठीक है. ऐसे ही अगर आपके पास एक और ए आ गया इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम इस स्टेट पर एस टू पर कब पहुँचे, जब हमारे पास दो ए आ जाए. दो ए का मतलब टू को अगर आप थ्री से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास टू. तो आपके पास तीनों स्टेट है, ये रिमाइंडर जीरो, ये रिमाइंडर वन, और ये हो गए स्टेट आपके पास रिमाइंडर टू. तो हमें दो रिमाइंडर को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है. अब देखो ध्यान से, अब जब भी आप इस तरह के रिमाइंडर्स की बात करते हैं तो इट ऑलवेज फॉलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी. देखो 0, 3, 6, 9, 15, 12, 15, 18 and 21 and so on, यानी कि हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, यानी कि हमें एक पैटर्न मिल चुका है, हम उस पैटर्न को लूप में डाल देंगे, सिंपल, ठीक है. आप चाहो तो इससे बड़ा DFA भी बना सकते हो, इससे बड़ा DFA भी बना सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ मिनिमल DFA की बात करनी है, यानी कि ऐसा DFA जिसमें कम से कम स्टेट्स हों, ठीक है. देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा DFA पॉसिबल है, एक से ज़्यादा DFA आपके पास पॉसिबल हैं, लेकिन आपको किसी भी DFA से कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उस DFA से मतलब है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स को आप कम से कम कर सके, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स को आप मिनिमाइज कर सके, ठीक है. अब जैसे कि ये एक DFA रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रॉब्लम को, जहाँ पर हमने जो AP चल रहा था, यानी कि 0, 3, 6, 9, यानी कि 3 का जो प्रोग्रेशन चल रहा था, उसको हमने सीधा लूप में डाल दिया. अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसके आगे स्टेट S4 बना दो, S3, S4, S5, S6, उनको बनाकर भी आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था समझने के लिए, और इस क्वेश्चन से हमने बेसिकली देखा कि आप AP की फॉर्म जहाँ पर भी आएगी किसी भी क्वेश्चन के, उसको आप लूप में डालो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बस आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ए को भी काउंट करना है और नंबर ऑफ बी को भी काउंट करना है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं आप. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोलता है डिजाइन अ DFA विच एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस, यानी कि जीरो भी आपके पास इवन होना चाहिए और वन भी आपके पास इवन होना चाहिए. अब देखो हमारे पास स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है. देखो यहाँ पर हमने सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर 0 और 1 की बात करी, तो स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है. तो स्ट्रिंग कैन बी सिंगल 0, वी कैन हैव सिंगल 1, और वी कैन हैव 0 0 0 1 1 0 1 1, और जो स्ट्रिंग हो सकती है वो हो सकती है हमारे पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 and so on, ठीक है. अब देखो हर एक केस में क्या हो रहा है. इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ़ जीरो की बात करूँगा तो वो हमारे पास ऑड है और नंबर ऑफ़ वन इवन है. तो हर एक केस में हमारे पास जो केसेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे. देखो देखो ये मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ ज़ीरोस, और ये बता रहा हूँ नंबर ऑफ वंस, ठीक है. तो नंबर ऑफ ज़ीरोस और नंबर ऑफ वंस, तो हर एक केस का हम एग्जांपल लिखते हैं तो उससे शायद आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा. तो हमारे पास चार केसेस बनेंगे यहाँ पर. कौन कौन से केस है देखो, नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी आपके पास इवन है, नंबर ऑफ़ वन भी इवन है. नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपके पास इवन है, नंबर ऑफ़ वन ऑड है. नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑड है, नंबर ऑफ़ वन इवन है. नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी ऑड है और नंबर ऑफ़ वन भी ऑड है, ठीक है. तो इन केसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बहुत ही इजी हैं. आपको एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है. देखो पहले केस में, इस वाले केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑड है, और नंबर ऑफ़ वन कितने हैं, दे आर इवन. तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके पास ऑड है, नंबर ऑफ़ वन इवन है, वो कौन सा केस है, जब आपके पास एक सिंगल ज़ीरो है,
ठीक है, अगर आपके पास एक सिंगल वन है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वन आपके ऑड है और नंबर ऑफ जीरो इवन है. क्यों? क्योंकि अगर कोई जीरो ही नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो जीरो है, तो जीरो ही नहीं है तो वो कितना होगा? इवन. ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है हमारे पास, जीरो जीरो, यानी कि जीरो भी इवन हो गए और वन भी इवन हो गए. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जीरो जीरो. ठीक है, नेक्स्ट देखो जीरो वन, इस केस में जीरो भी हमारे पास ऑड हो गए और वन भी हमारे पास ऑड हो गए, तो ये दोनों केस आ गया जहाँ पर जीरो भी ऑड है और वन भी ऑड है. सिंपल. नेक्स्ट देखो वन जीरो, वन जीरो केस में भी दोनों ऑड है. ठीक है, नेक्स्ट देखो वन वन, वन वन के केस में नंबर ऑफ वन भी इवन है और नंबर ऑफ जीरो भी इवन है, तो वन वन के केस में दोनों हमारे पास इवन है. करेक्ट. नेक्स्ट चेक करो जीरो जीरो जीरो, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास ऑड है और नंबर ऑफ वन हमारे पास इवन है, तो जीरो 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 केस में नंबर ऑफ जीरो हमारे पास ऑड है और नंबर ऑफ वन हमारे पास इवन है. नेक्स्ट जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन के केस में नंबर ऑफ जीरो हमारे पास इवन है और नंबर ऑफ वन हमारे पास ऑड है, तो नंबर ऑफ जीरो हमारे पास इवन है और नंबर ऑफ वन हमारे पास ऑड है, क्योंकि एक वन आ गया और दो जीरो आ गए. सिंपल. नेक्स्ट चेक करो हमारे पास जीरो वन जीरो, नंबर ऑफ जीरो इवन, नंबर ऑफ वन ऑड, तो जीरो वन जीरो. नेक्स्ट जीरो वन वन, तो जीरो वन वन के केस में हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो गए ऑड और नंबर ऑफ वन हो गए हमारे पास इवन. करेक्ट. अब यहाँ पर चेक करो वन जीरो जीरो, तो वन जीरो जीरो के केस में नंबर ऑफ वन हमारे हो गए ऑड और नंबर ऑफ जीरो हो गए हमारे पास इवन. नेक्स्ट वन जीरो वन, तो वन जीरो वन के केस में नंबर ऑफ वन हमारे पास हो गए इवन और नंबर ऑफ जीरो हो गए हमारे पास ऑड. नेक्स्ट वन वन जीरो, तो वन वन जीरो कौन सा होगा केस हमारे पास, वन वन जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ वन इवन, नंबर ऑफ जीरो ऑड, और वन 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 का केस कौन सा है, जब हमारे पास नंबर ऑफ वन ऑड है और नंबर ऑफ जीरो इवन है. तो इसी तरीके से जितने भी बाइनरी नंबर्स हैं आप उनको सिर्फ इन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, अब एक और नंबर है, एक और सिंबल जो हम भूल गए, जो सिंबल है हमारे पास एप्सिलॉन. एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि लेंथ जीरो, ना तो यहाँ पर कोई जीरो है ना कोई वन है, यानी कि दोनों की लेंथ कितनी है, जीरो. अगर जीरो लेंथ है तो दोनों इवन इवन का केस आ गया, तो जो एप्सिलॉन सिंबल है वो इस वाले केस में आएगा. तो इसी तरीके से आप हर एक बाइनरी स्ट्रिंग को इन चार में से किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइड कर सकते हो. अब मेरा काम क्या है, जब मैं इस DFA को बनाऊंगा तो मुझे चारों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट S0 से. ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट S1 से, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट S2 से, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट S3 से. तो हम लोग इन ऐसी चार स्टेट्स को बनाएंगे. दूसरी चीज़, अब हमें एक्सेप्ट क्या करना है, विच एक्सेप्ट इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड इवन नंबर ऑफ वंस. तो नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वन दोनों इवन होने चाहिए, इस वजह से यही केस वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस वाले स्टेट को बना देंगे फाइनल स्टेट. क्यों? क्योंकि यही हमारे डिजायर्ड गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन सिर्फ इसी स्टेट पर है. अब DFA के केस में, स्पेशली इन केस ऑफ DFA, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एप्सिलॉन NFA. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ DFA केस में एप्लीकेबल है, एप्सिलॉन NFA केस में एप्लीकेबल नहीं है, कि जहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन आ गया उस स्टेट को हमने बना दिया इनिशियल स्टेट. ठीक है, अब हमारे पास स्टेट तैयार हो गई, अब हमें पता चल गया फाइनल स्टेट कौन सी है और हमें पता चल गया इनिशियल स्टेट कौन सी है. अब सिंपल करना क्या है, बस इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, देखो डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चार स्टेट है, चारों को बना लो. तो हमारे पास होगी S0, S1, S2, S3. सिंपल. दूसरा केस, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. तो S0 को इनिशियल एज वेल एज फाइनल स्टेट हमने दोनों बना दिया. अब सिंपल हमें ट्रांजिशंस को ही रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास एक सिंगल जीरो आता है, हम इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंगल जीरो आता है तो हम कहाँ पर जाएंगे, सिंगल जीरो आने पे हम स्टेट S2 पर जाएंगे, तो सिंगल जीरो आते ही आप स्टेट S2 पर जाओ. करेक्ट. नेक्स्ट अगर आपके पास सिंगल वन आता है तो कहाँ जाएंगे, हम स्टेट S1 पर जाएंगे, तो सिंगल वन आया तो हम स्टेट S1 पर जाएंगे. नेक्स्ट अगर आपके पास एज्यूम जीरो जीरो आ जाए, जीरो जीरो,
यानी कि एक जीरो के बाद दूसरा जीरो, तो एक जीरो के बाद दूसरा जीरो, तो दूसरा जीरो आते ही हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्टेट एस नॉट पर, तो एक और जीरो आते ही हम लोग स्टेट जाएंगे एस नॉट पर, यानी कि जीरो जीरो हम एस नॉट पर चले गए। उसी तरीके से अगर हमारे पास वन वन हो तो वन वन का केस कौन सा है, वन वन है ये वाला, ठीक है, यानी कि एक वन के बाद दूसरा वन, तो कहाँ पर जा रहे हैं स्टेट एस नॉट पर, इस वन के बाद एक और वन आ गया तो हम स्टेट एस नॉट पर चले गए, करेक्ट। अब देखो इस जीरो के बाद वन भी तो आ सकता है और इस वन के बाद जीरो भी आ सकता है ना। देखो इस जीरो के बाद अगर वन आ जाए तो क्या होगा, जीरो के बाद वन आ जाए तो हम स्टेट जा रहे हैं एस थ्री पर, जीरो के बाद वन आ जाए तो स्टेट एस थ्री पर, क्यों, क्योंकि दोनों ऑड ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से इस वन के बाद अगर हमारे पास जीरो आ जाए तो हम स्टेट एस थ्री पर चले गए, ठीक है, तो ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों हमारे पास ऑड हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास आ जाए जीरो वन जीरो, ठीक है, तो जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो कौन सा केस है, वो हमारे पास स्टेट एस वन, यानी कि जीरो वन जीरो यानी कि स्टेट एस वन। नेक्स्ट जीरो वन वन, जीरो वन वन तो हम स्टेट एस टू पर, देखो जीरो वन वन तो स्टेट एस टू पर चले गए, ठीक है, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कौन से स्टेट पर जा रहे हैं। तो अब देखो इसमें से हर एक कॉम्बिनेशन को आप उठाओ, किसी भी बाइनरी नंबर को उठाओ, वो इन चारों स्टेट के ट्रांजिशन से पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर रुका क्यों, देखो रुकने का एक और तरीका था कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो सिंबल रहते हैं, जीरो और वन, मैंने हर एक स्टेट में जीरो और वन दोनों के लिए ट्रांजिशन दिया है, इसमें भी जीरो के लिए ट्रांजिशन है, वन के लिए भी है, यहाँ पर भी जीरो के लिए ट्रांजिशन है, वन के लिए भी है, तो हमने हर एक चीज़ के लिए ट्रांजिशन दे दिया, तो हम बस हमें वेरीफाई करना है क्या ये ठीक है या नहीं है। टेक एनी नंबर, टेक एनी बाइनरी कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमारे पास है वन 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 जीरो 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 वन जीरो, एनी रैंडम बाइनरी कॉम्बिनेशन। इस केस में चेक करो नंबर ऑफ वन कितने हैं, ऑड, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, इवन, जीरो वन टू थ्री एंड फोर। तो इसको अगर आप रीड करेंगे देन यू शुड एंटर इन योर स्टेट जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वन आए आपके पास ऑड और नंबर ऑफ जीरो आपके पास आए इवन, यानी कि इसको रीड करने के बाद हमें एस वन स्टेट के अंदर जाना है। तो चेक करो पहले वन को रीड करो, तो हम कहाँ से जाएंगे, एस नॉट से एस वन पर, यहाँ से हम चले गए एस वन पर। दूसरे वन को रीड करो, एस वन से हम चले गए एस नॉट पर। तीसरे वन को रीड करो तो हम एस नॉट से दोबारा से एस वन पर चले गए। चौथे वन को रीड करो फिर हम एस वन से दोबारा से एस नॉट पर चले गए। फिर जीरो को रीड करो तो एस नॉट से एस टू पर चले गए। फिर इस जीरो को रीड करो तो एस टू से एस नॉट पर चले गए। फिर इस जीरो को रीड करो तो एस नॉट से एस टू पर चले गए। फिर इस वन को रीड करो यानी कि एस टू से एस थ्री पर चले गए। फिर जीरो को रीड करो यानी कि एस थ्री से एस वन पर चले गए। अब एस वन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जीरो हमारे पास ऑड है, नंबर ऑफ जीरो इवन है और नंबर ऑफ वन आपके पास ऑड है। देखो नंबर ऑफ जीरो इवन है और नंबर ऑफ वन आपके पास ऑड है, तो सिंपल। तो ये जो DFA रिप्रेजेंट कर रहा है ये हर एक कॉम्बिनेशन को लेगा जहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोस और नंबर वन को काउंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इवन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ऑड। समझ में आया आपको, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझा सकूं। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वो बोलते हैं डिजाइन अ DFA विच चेक्स वेदर अ गिवन बाइनरी नंबर इज इवन, गिवन बाइनरी नंबर इज इवन। तो ये क्या है, जो प्रीवियस केस हमने लिया था जहाँ पर हम डेसिमल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे और बाइनरी नंबर की बात कर रहे थे जो कि थ्री से डिवाइडेड है, ये भी वैसा ही केस है, लेकिन हमें बताना है कि बाइनरी नंबर आपके पास इवन हो। बहुत ही ईजी केस होगा, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो केस क्या है, डिजाइन अ DFA विच चेक्स वेदर द गिवन बाइनरी नंबर इज इवन, यानी कि जो बाइनरी नंबर आपके पास इवन है आपको उसे लेना है, ठीक है। तो देखो आपके पास जो नंबर्स हैं दे कैन बी जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन, ठीक है। ये नंबर की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, सॉरी दिस इज वैल्यू टू एंड दिस इज वैल्यू थ्री, दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब ध्यान दीजिए जो भी नंबर जीरो से एंड है यानी कि जिसके लास्ट में आपके पास जीरो आ जाता है तो वो सभी नंबर आपकी इवन नंबर बन जाती है और वो सभी नंबर आपके पास
टू से डिवाइड हो जाती है, वो सभी बाइनरी नंबर टू से डिवाइड हो जाती है। तो सिंपल, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका सिंपल सा मतलब ये है, कैन यू डिज़ाइन अ DFA टू एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर एंडिंग विद जीरो। अगर आपके पास कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग जीरो से एंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो बाइनरी नंबर टू से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इनिशियल स्टेट बनाई हमने ए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में कितने भी वन आए डजंट मैटर, क्योंकि वन आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा जो नंबर है वो टू से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, देखो सिंगल वन है तो टू से डिवाइड नहीं होगी, करेक्ट। तो सिंगल, देखो सिंगल जीरो है तो वो डिवाइडेड डिविजिबल है बाय टू, वो बाइनरी नंबर टू से डिविजिबल है। देखो यहाँ पर मैं लेंथ जीरो एक्सेप्ट नहीं, कंसिडर नहीं कर रहा। दो चीज़ों को थोड़ा प्यार से समझो, थोड़ा ध्यान से समझो। पहला, मैंने एप्सिलॉन को कंसिडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब लेंथ जीरो, और लेंथ जीरो जो है वो बाइनरी नंबर टू से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि लेंथ जीरो की तो हम कोई नंबर बाइनरी नंबर एज्यूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है एज कंपैरेटिवली। तो अब देखो, हमें लेंथ जीरो को एक्सेप्ट नहीं करना, तो इनिशियल स्टेट आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी। दूसरा, अब हमें अगर इनिशियली आपके पास एक सिंगल जीरो आ जाए, सिंगल जीरो आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करना है, तो स्टेट बन जाएगी हमारे पास बी, और वो बन जाएगी आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, तीसरा, अगर आपके पास एक सिंगल वन आ जाए तो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो सिंगल वन आ जाए तो हम स्टेट यहाँ पर लेके जा रहे हैं स्टेट सी पर, इसको भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, अब देखो एक जीरो के बाद दोबारा से जीरो आ जाए तो एक्सेप्ट करना है, तो एक जीरो के बाद दोबारा से कितने भी जीरो आ जाए, चाहे वो जीरो जीरो हो, चाहे वो ट्रिपल जीरो हो, चाहे वो चार बार जीरो हो, चाहे वो पांच बार जीरो हो, इस जीरो के बाद कितने भी जीरो आए हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब देखो इस वन के बाद अगर एक जीरो आ जाए तो एक्सेप्ट करना है, जैसे कि 100 100 1000 1000 1000 1000 तो वन के बाद जीरो आ जाए तो हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब देखो इस जीरो के बाद वन आ जाए, तो जैसे कि स्ट्रिंग हो हमारे पास 01 या फिर 001 या फिर 0001 या फिर 0011 है ना, तो अगर जीरो के बाद वन आ जाए तो यानी कि नंबर हमारे पास जीरो से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो टू से डिविजिबल नहीं होगी, तो इस जीरो के बाद अगर एक वन आ जाए तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस स्टेट में हमने जीरो के लिए ट्रांजिशन दे दिया और वन के लिए दे दिया, इस वाले स्टेट में जीरो के लिए दे दिया, वन के लिए दे दिया, इस वाले स्टेट में हमने सिर्फ जीरो के लिए ट्रांजिशन दिया, लेकिन इसमें वन के लिए ट्रांजिशन नहीं दिया। अब अगर इस वाले स्टेट में हम क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक वन आ चुका है, अगर हमारे पास वन वन आ जाए तो क्या वो बाइनरी नंबर टू से डिविजिबल है? नहीं। ठीक है, अगर आपके पास वन 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 आ जाए तब भी नहीं है, अगर आपके पास वन 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 आ जाए तब भी नहीं है, एंड सो ऑन, है ना, तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब चेक करो, मैंने हर एक स्टेट में जीरो और वन के लिए ट्रांजिशन दिया है, और ये जो DFA है ये हर एक उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, हर एक उस बाइनरी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि इवन नंबर हो, यानी कि जो कि टू से डिविजिबल हो। अब इसमें कोई भी स्ट्रिंग देखे, देखो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, मेरे पास है 1100110। अब देखो बिकॉज ये स्ट्रिंग जीरो से एंडेड है तो पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद गारंटीड आप स्टेट बी पर ही रुकेंगे। देखो पहले वन को आपने रीड किया तो हम स्टेट ए से सी पर चले गए, दूसरे वन को आपने रीड किया तो हम स्टेट सी से सी पर रहे, है ना, फिर तीसरे जीरो को आपने रीड किया तो स्टेट सी से बी पर चले गए, फिर हमने जीरो को रीड किया तो हम बी से बी पर रहे, फिर हमने वन को रीड किया तो हम बी से सी पर चले गए, फिर से हमने वन को रीड किया तो हम सी से सी पर रहे, और फिर से हमने जीरो को रीड किया तो हम सी से बी पर चले गए। यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जीरो नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जीरो नहीं है, अगर वो स्ट्रिंग जीरो से एंड होती है, अगर वो स्ट्रिंग जीरो से एंड होती है तो यानी कि वो स्ट्रिंग टू से डिविजिबल है, वो बाइनरी स्ट्रिंग है जो कि टू से डिविजिबल है, और हम उसको बी फाइनल सेट पर ही लेके जाएंगे और वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं एक दो एग्जांपल सॉल्व लूँगा जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा, फिर हम कुछ ऑपरेशंस लेंगे जो कि DFAs के ऊपर हम कर सकते हैं, जैसे कंकैटिनेशन ऑपरेशन हुआ, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन हुआ, इस तरीके से कुछ ऑपरेशन है रिवर्सल, तो जो हम DFAs के ऊपर करेंगे तो हम चेक करेंगे कि उसका आउटपुट क्या होता है। एक दो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्लिक है, एक्चुअली बहुत कॉमन ट्रिक्स भी है, एवरीवन नोज दोज ट्रिक्स, बट वो आपको पता होंगे तो उससे आपके क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व होंगे। तो मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, ट्रिक्स की तरफ लेके चलता हूँ, और आपको कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स यहाँ पर मैं करवाता हूँ। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है,
If you want to join our Facebook groups, because we are starting the Facebook groups for discussion, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक मैंने शेयर किया होगा इस वीडियो के अंदर भी टू जॉइन द फेसबुक ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर वट एवर वीडियोज जो भी हम अपलोड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जनरली स्टूडेंट्स को दे देते हैं तो यू कैन जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ऑल्सो जॉइन आर फेसबुक ग्रुप तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टे कनेक्टेड विद अस टू गेट मोर वीडियोज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग